ओम मां गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। गणपति उपाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूं आज देखिए आपसे एक विशेष वार्ता को लेकर के। वार्ता का थंबनेल बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना सुबह ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। और मित्रों ये मेरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी देख सकते हैं और दोनों के नवालव होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। अब देखिए मेरी चर्चा क्या करूंगा आज मैं, देखिए आज मैं चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। चर्चा मेरी चर्चा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं देखना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में क्या शनि और राहु के युति और कुछ और ग्रहों के साथ मिलकर के क्या आर्थिक रूप से हलचल मचाएगी आपके जीवन में, क्या सब उथल पुथल कर देगी। तो क्या आने वाला समय 2025 में जब राहु और शनि मिलेंगे प्लस और दूसरे कुछ ग्रह भी होंगे तो क्या होगा, किसके जीवन में किस राशि को धन की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, किस राशि को देखिए सब कुछ मिलेगा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, लाभ, संतान को लाभ, और किन राशियों को देखिए बहुत कम मिलेगा, किन राशियों के लिए मध्यम रहेगा। तो अब ये आने वाला टाइम जो है मैं आर्थिक उथल पुथल हो रही है या नहीं हो रही है ये बहुत सुनने में आ रहा है कि आने वाला टाइम बहुत ही खराब और बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही परेशान करने वाला। तो मैंने सोचा मैं भी जरा विचार करूं और डिस्कस करूं, आपको बताऊं कि आगे आने वाला समय यानी जब शनि का ट्रांजिशन होगा। देखिए अभी तो 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, चलेंगे मार्गी अपने, और मार्गी अवस्था में शनि 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे अगली राशि यानी मीन राशि में, यहाँ उनके सेनापति राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए राहु का और शनि का होगा मिलन। राहु भी तो वैसे उत्पाती है बहुत, राहु एक विचार है, राहु एक सोच है, तो आपकी सोच उत्पाती मीन्स आपको जो असंभव सी बातें वो भी सोचेंगे, जो नहीं हो सकती वो भी सोचेंगे, यानी आपके विचार बहुत दूर तक जाएंगे, आसमान तक छुएंगे, अंधकार में फैल जाएंगे। और देखिए तो राहु तो कोई वास्तव में ग्रह नहीं है लेकिन वो आपका मस्तिष्क पे असर है उसका, आपका माइंड क्या सोचता है और माइंड को जो सोचा हुआ नहीं मिलता है तो फिर परेशान होता है, मानसिक परेशानियां आती हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब राहु और शनि का मिलन होगा, भाई शनि देखिए मैंने कई बार बताया कि शनि आपके जो है मित्र हैं, शनि शत्रु नहीं है, बशर्ते आप शनि जैसा काम करें, जो शनि चाहते हैं वो काम करें तो आपको शनि का लाभ मिलेगा और शनि का कोई आपको दंड नहीं मिलने वाला है। और आप कितने ही मित्र राशि हो शनि की, अगर आपने गड़बड़ काम किया, परिश्रम नहीं किया, जातकों ने उस राशि की मेहनत नहीं की, भ्रष्टाचार किया, गरीबों को उनका ड्यू पैसा नहीं दिया, उनको सताया बल्कि उनके पैसे और काटे, परेशान किया, तो देखिए आप कोई भी राशि क्यों ना हो, चाहे शनि की अपनी राशि हो, मेष हो, चाहे कुंभ हो, चाहे सिंह हो, चाहे जो भी मकर हो, कोई राशि हो, शनि के लिए कोई रियायत नहीं है। फिर तो मैं यही कहता हूँ, आप इस बात को नोट कर लीजिए, मैंने कई बार कहा है कि शनि वास्तव में ईमानदार, सचरित्र और देखिए मेहनती, गरीबों के दोस्त, गरीबों को सहायता करने वाली व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, राइज करते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, व्यापारी है, सबके शनि इस तरह के बैठे हुए हैं जो कि वो शनि के अनुसार काम करते हैं, वो लोग बड़ी मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और परिश्रम करते हैं। तो और देखिए राहु तो जो शनि का ऑर्डर है वो करते हैं, उसी के हिसाब से फल मिलता है, यानी आपके मस्तिष्क में वही बातें आएंगी, उसके हिसाब से आप पीड़ित होंगे, आपका मन पीड़ित होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा। राहु मैंने बताया ना कोई ग्रह तो नहीं है, राहु जो है एक काल्पनिक राक्षस के दो हिस्से हैं,
जो सर को रिप्रेजेंट करता है, एक राहु जो है, तो सर का मतलब मस्तिष्क। तो आपके मन में जब शनि चाहेंगे तो ऐसे विचार डाल देंगे जो आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत दुखी करेंगे, धन से दुखी करेंगे, प्रेम में दुखी करेंगे, सब तरह से कर सकते हैं, नौकरी में। तो वो राहु को राहु से दंड मिलता है, यानी शनि जो चाहते हैं वो आपके मस्तिष्क में घुस जाता है और उसी हिसाब से आपको परेशानी मिलती है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि राहु और शनि क्या वाकई में आगे आने वाले टाइम में आर्थिक स्थिति को देश की और दुनिया की, भाई देखिए 29 मार्च को जब शनि राहु के घर में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा। 29 मार्च को देखिए, 29 मार्च से करीब 18 मई, 29 मार्च से 18 मई, 50 दिन करीब राहु का शनि का साथ रहेगा, क्योंकि राहु फिर 18 मई को जो है इधर मतलब अपने बकरी गति से कुंभ राशि में आएंगे। शनि तो वही रह जाएंगे, शनि तो 2.5 साल तक वहीं बैठेंगे। तो ये जो 29 मार्च से 18 मई का टाइम है जो, उसमें देखिए शनि और राहु का मिलन होगा, और उस समय वहां पर जो है 29 मार्च से देखिए 29 मार्च और 30 मार्च को केवल 2 दिन शनि होंगे वहां पर, और वहां पर देखिए सूर्य भी होंगे और चंद्रमा भी होंगे और बुध भी होंगे और शुक्र भी होंगे और राहु होंगे। तो 6 ग्रह 29 मार्च को और 30 मार्च को 2 दिन के लिए, सवा 2 दिन के लिए 6 ग्रह बैठेंगे भाई मीन राशि में, बृहस्पति की राशि है। तो 6 ग्रह क्या करेंगे भाई, 6 ग्रह का सम्मेलन जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब भी हुआ था, उसी के आसपास जो है कोरोना पहले आया था थोड़ा सा तब भी हुआ था। तो 6 ग्रहों का सम्मेलन मीन राशि में, चंद्र सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही, मीन राशि, मीन जो है जल की राशि है, तो क्या होगा, जल जल में क्या कोई भयंकर चेंज आएंगे दुनिया के जल में स्थल में, यानी ग्लेशियर पिघलेंगे और जल समुद्र का तल बढ़ेगा। उसके बाद से 29 मार्च से शुरू होकर के मीन राशि में शनि का प्रवेश और 6-6 ग्रहों की आपस में देखिए वहां मीटिंग, जिसमें राहु दुष्ट ग्रह शनि, और देखिए सूर्य भी है वहां पर, बुध भी है, शुक्र भी है और चंद्रमा भी है 2 दिन के लिए। तो 29 मार्च से लेकर के 29-30 मार्च को जो है, ये देखिए 29 मार्च से 18 मई का मैंने पहले जिक्र किया, 50 दिन तो शनि और राहु रहेंगे, लेकिन ये अभी 29-30 को जो है 6 ग्रह का सम्मेलन हो रहा है। और भाई उसके बाद 29 मार्च से 14 अप्रैल 16 दिन के लिए, देखिए वहां पर मीन राशि में ही राहु के साथ साथ शनि तो होंगे, शनि तो आ गए वहां 2.5 साल के लिए, शनि के साथ साथ शुक्र भी होंगे, बुध भी होंगे और सूर्य भी होंगे, यानी 5 राशि, चंद्रमा चले गए वहां से। तो अब ये रहा 29 मार्च से लेकर के देखिए 29 मार्च से 14 अप्रैल तक 5 ग्रह वहां रहे, देखिए चंद्रमा को छोड़ करके सूर्य बुध शुक्र शनि और राहु। तो ये 5 ग्रह भी क्या उत्पात मचा सकते हैं, क्या दुनिया में हलचल ला सकते हैं, क्या खलबली मचा सकते हैं। देखिए बहुत से कंट्रीज में बहुत भयंकर आर्थिक मंदी आ रही होगी, ऑलरेडी आ रही है और आ चुकी होगी। तो आर्थिक मंदी आने के कारण कितने कंट्री, छोटे मोटे कंट्री तो बिल्कुल एकदम डूब से जाएंगे धन के हिसाब से, आर्थिक स्थिति, बड़े बड़े कंट्री अपने को संभाल पाएंगे, छोटे मोटे कंट्री तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो आर्थिक मंदी आने से, यानी इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी होगी कि कुछ कोई खरीद ही नहीं पाएगा कोई चीज, तो व्यापार तो खत्म ही हो जाएगा, यानी खत्म मीन्स बहुत ना के बराबर। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या ग्रहों का कारण है, क्या इसमें शनि, क्या इसमें राहु, क्या इसमें बुध, क्या इसमें शुक्र, क्या इसमें सूर्य, 5-5 ग्रह एक जगह बैठे हुए हैं, क्या इनका असर है। और देखिए उसके बाद फिर 29 मार्च से 7 मई, मैंने बताया 14 अप्रैल पहले बताया, अब 29 मार्च से 7 मई यानी 39 दिन के लिए बुध शुक्र शनि और राहु यानी सूर्य यहां से निकल जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे मेष राशि है।
तो अब ये 29 मार्च से लेकर के आप देखिए 7 मई तक जो है ये 5, 1, 2, 3, 4 ग्रह बुध शुक्र और देखिए शनि और राहु। और फिर देखिए उसके बाद 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2 दिन के लिए चंद्रमा और देखिए बुध और शुक्र शनि और राहु ये फिर 5 ग्रह हो जाएंगे। ये रहा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2 दिन के लिए चंद्रमा भी आ गया वहां पर। और भाई उसके बाद आप देखिए 7 मई से 15 मई 8 दिन के लिए यहाँ पर 7 मई से 15 मई के लिए सन सूर्य और बुध मेष राशि में चले जाएंगे। 7 मई दोनों इनका साथ रहेगा। और मैं समझता हूँ 22 मई से और 24 मई फिर 2 दिन जो है मून चंद्रमा शनि और शुक्र 3 ग्रह वहां रहेंगे। इतना ट्रांजिशन हो रहा है भाई। और 7 मई से 13 मई 8 दिन के लिए सूर्य और बुध रहेंगे मरकरी में। तो ये तो अभी हमारा इसका इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? हमारा इंटरेस्ट तो ये है अभी जो है शनि और राहु मेन बड़े बड़े ग्रह जहाँ 29 मार्च से 18 मई तक प्लस उनके साथ और ग्रह भी आ रहे हैं यानी बुध है शुक्र है सूर्य है ये सब चंद्रमा है वो मैंने बताया आपको जल्दी जल्दी। लेकिन मेन कल्प्रेट हमारे क्या है? राहु और शनि जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आर्थिक मंदी आ रही है दुनिया में हलचल हो रही है भूख स्खलन हो रहा है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और देखिए कई कंट्री बहुत पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे कंट्री जिनका रिसोर्सेज नहीं है कोई ज्यादा जो दूसरों के पैसे पर निर्भर है या बाहर के पैसे में जो उनके लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं वो पैसा भेज रहे हैं घर में जो पैसा आ रहा है उस पर निर्भर है तो क्या ऐसे कंट्री का क्या हाल होगा। और ऐसे कंट्री देखिए जैसे कि अमेरिका का कैलिफोर्निया का हिस्सा है वहां सब क्या जल बढ़ गया तो क्या होगा? जल अंदर आएगा क्या? यानी ये शनि के ट्रांजिशन के बाद फिर मार्च अप्रैल मई ये हो सकता है आगे यानी शुरुआत होगी 29 मार्च के बाद से क्योंकि मीन राशि में शनि आ गए तो मीन राशि में शनि का जाना राहु के पास बैठना क्या दुनिया के लिए युद्ध के लिए कई कंट्री का इन्वॉल्वमेंट युद्ध में हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते ही जाएगा वो क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। जब अमेरिका का नया प्रेसिडेंट 20 जनवरी को वोट ले लेगा उसके बाद से ही थोड़ा टाइम बदल लेगा पर जब ग्रहों के हिसाब से मार्च 29 को शनि जो कि शनि और राहु और देखिए 14 मई को बृहस्पति भी मिथुन राशि में आ जाएंगे जो बड़े ग्रह हैं बृहस्पति भी अभी कंट्रोल करने वाले हैं आर्थिक स्थिति और शुक्र तो ऑलरेडी धन के मालिक हैं वो तो खुद शनि के सूर्य के साथ चल रहे हैं उन पर तो उनका तो मतलब शनि का सूर्य का सबका असर है वो तो बेचारे गुरु हैं दैत गुरु कुछ कह ही नहीं सकते। तो अब ये मैं देख रहा हूँ कि भाई ये टाइम जो है बहुत ही खराब आर्थिक रूप से तूफान लाने वाला हलचल लाने वाला हो रहा है। तो क्या हमारे लिए ये राशियां जो हैं मेष से लेकर के मीन तक संक्षिप्त में हम देखते हैं कि कोई अब राशि हम छोड़ देंगे तो वही व्यक्ति जो है नाराज हो जाएगा कि मेरी राशि को क्यों नहीं बताया। तो भाई मैं बताऊं आप देखिए मेष राशि के लिए ये 12वीं राशि में संचरण हुआ 29 मार्च से 18 मई तक राहु शनि की युति हुई प्लस दूसरे ग्रह और हैं उनकी चर्चा अब हम अभी नहीं करते हम केवल यही देखते हैं कि ये 12वें भाव में हलचल हो रही है 12वें मीन राशि में तो मेष राशि के लिए क्या हो रहा है भाई। उसके बाद फिर जो है मई के बाद 18 मई के बाद जब राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में तब एकदम बदल जाएगा मामला फिर बाद में उसकी बात करेंगे। अभी तो जो है देखिए विदेश से धन आएगा विदेश जाना हो सकता है आपका विदेश जाने की सोच रहे थे तो विदेश जाइए विदेश में नाम कमाइए आपका नाम होगा
और आपको देखिए अच्छे ही, देखिए शर्त यही है कि आपको जरा ईमानदार रहना है, मानसिक रूप से, सोच से अपनी से कोई गंदी सोच ऐसे ना हो किसी के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, ये सब अच्छी सोच हो, ईमानदारी से काम करेंगे, शनि का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और आपको थोड़ी ज्यादा मेष राशि वालों आर्थिक परेशानी नहीं आने पाएगी। थोड़ा धन का खर्चा तो होगा, धन का खर्चा होगा तो आमदनी भी होगी, क्योंकि राहु शनि की युति जो बन रही है वो आपके बारे में वहां बन रही है, मीन राशि है, और देखिए वहां पर शुक्र भी है, वहां पर बुध भी है, तो यहाँ से देखिए बारे में भाव तो छठे भाव को देखेंगे, तो आपका नया जॉब, कुछ नई नौकरी जिसके आप प्रयत्न करेंगे वो मिल सकती है, धन का लाभ भी होगा, धन का खर्चा होगा विदेश भाव, विदेश जाने में, पर धन का लाभ भी होगा, आपको नई नौकरी मिल सकती है, आपको अच्छा जो आप कोशिश करेंगे तो काम जुड़ सकता है, आपका नया व्यापार, सरकारी काम मिल सकता है कोई भी, तो ये बारहवें भाव से राहु और शनि का बैठना, शुक्र का बुध का भी साथ होना, तो मैं समझता हूँ ये जो है मेष राशि वालों के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। खर्चा होगा थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीमारी में खर्चा हो सकता है, दवाई में खर्चा हो सकता है, तो उसका तो ध्यान रखिए आप। आपने साहब मेरा तो बिल्कुल गलत बताया आपने, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, तो बता रहा हूँ मैं, खर्चा भी होगा और आपके कर्मों के हिसाब से खर्चा होगा, फिर आप कर्म आपके ठीक है तो कम खर्चा होगा, कर्म गड़बड़ है तो ज्यादा खर्चा होगा, उसका ध्यान रखिएगा मेरे साथी वालों, मेरे को मत गाली दीजिएगा, मैं आपको पहले आगे कर रहा हूँ। और प्लस आपके जन्म कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं शनि, कहाँ बैठे हुए हैं राहु, वो बात बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात है, तो लेकिन आपको आर्थिक लाभ हो रहा है और हलचल भी मिल रही है आपके, उथल पुथल तो जिंदगी में होगी होगी। और देखिए अगली राशि जिसकी मैं चर्चा करूं अभी, देखिए नंबर दो राशि वृषभ राशि के लिए, बारहवीं राशि मीन राशि जो है लाभ भाव में है भाई, लाभ भाव का मतलब है कि लाभ भाव में वृषभ राशि के लिए तो शुक्र की राशि है, और लाभ भाव में शुक्र भी बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं, और राहु और शनि भी बैठे हुए हैं भाई, और लाभ भाव का, और फिर देखिए कुछ टाइम पांच पांच ग्रह रहेंगे यहाँ पर, कुछ टाइम छह ग्रह, कुछ टाइम चार ग्रह, और हम तो बीस बात कर रहे हैं विशेष रूप से दो बड़े राहु और शनि की, पर और सपोर्टिव ग्रह भी है, तो वृषभ राशि की तो बल्ले बल्ले हो रही है, वृषभ राशि वालों खुश हो जाओ, आपको तो धन का लाभ होना है, धन के स्वामी भी आपके यहाँ बैठे हैं, व्यापार के स्वामी बुद्ध भी बैठे हैं, और शनि और राहु का तो मिलन हो ही रहा है लाभ भाव में, लाभ भाव में हर ग्रह लाभ ही देता है, कोई नुकसान नहीं करता है, तो शनि की आज्ञा से राहु भी आपको देखिए, और आपके पंचम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम भाव का मतलब संतान को शिक्षा में, संतान के लिए, और देखिए शेयर मार्केट से जहाँ धन प्राप्त हो सकता है, क्यों धन के स्वामी, धन के मालिक बुद्ध यहाँ और शुक्र दोनों राहु शनि के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ टाइम जो टाइम जितने दिन रहे मैंने बताया आपको, वो पांचवें भाव से धन भी दिलाएंगे, ग्यारहवें भाव से लाभ होगा। और भाई देखिए राहु की दृष्टियों को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि राहु पांच सात नौ दृष्टियां बताई है, पर राहु तो एक तरह से सोच है, विचार है, धुआं है, अंधकार है, उसकी दृष्टि का क्या मतलब, पर कहते हैं राहु, मैं तो देखिए शनि मंगल बृहस्पति ये इनके तीन तीन दृष्टियां हैं, इनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो शनि की आप दृष्टि की बात कर सकते हैं, और राहु की दृष्टि पांच सात नौ है, शनि की देखिए तीन सात और दस, तो आप देखिए, तो शनि की दृष्टि पर यहाँ से देखिए वृषभ राशि के लिए, आप वृषभ राशि के लिए नंबर दो राशि है, और देखिए बारहवीं राशि आ गई ग्यारहवें भाव में, तो एक दो तीन शनि की दृष्टि पड़ेगी लग्न पर यानी शरीर पर, तो वृषभ राशि वालों आपको धन तो मिल रहा है, धन तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा शरीर पर ध्यान दीजिएगा, अपना शरीर को बीमारी से बचाइएगा, होशियार रहिएगा, संभल, कोई भी आपकी बीमारी है लॉन्ग तो उसको नादानी मत करिएगा, दवाई ववाई ना खाए या दवाई नहीं, टाइम से दवाई खाइए, टाइम से डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि तीसरी शनि की दृष्टि
हालांकि शुक्र की राशि है तो शुक्र का भी ध्यान, शुक्र के भी देखिए शनि मित्र है और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, दोस्ती है आपस में, एक घर में कुछ टाइम तो रहेंगे। पर शनि और राहु, राहु तो पंचम दृष्टि है, तो राहु तो देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव को देखेंगे और मेहनत तो कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, भाई बहनों से सपोर्ट दिलाएंगे। पर शनि शरीर को देख रहे हैं, तो शुक्रवार बुध वृषभ राशि वालों के शुक्र की धन तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा भाई शरीर का ध्यान रखिएगा, आलस मत करिए, एक तो एक्टिव बने रहिए, वरना शरीर का क्रोध मिलेगा। तो लेकिन वृषभ राशि के लिए अच्छा है। अब आगे बात करता हूँ, देखिए मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मीन राशि आ गई दसवें भाव में, तो दसवें भाव में देखिए जो राहु हो शनि हो, वैसे भी काल पुरुष की कुंडली का दसवां भाव शनि का भाव होता है, जॉब का भाव होता है, तो यहाँ पर आपके जॉब, नया जॉब चाहिए। बुध भी देखिए यहाँ पर शुक्र भी है, तो मिथुन राशि के लिए ये दसवें भाव में 4, 4, 5, 5, 6, 6 ग्रहों का संयोग, अलग अलग टाइम से मैंने आपको शुरू में बताया था, उसकी रिपीट नहीं करूंगा मैं तो। जब लेकिन राहु और शनि दोनों ही यहाँ से सुख भाव को भी देखेंगे, और सुख भाव में देखिए बुध की राशि है कन्या राशि, कन्या राशि पर दृष्टि पड़ेगी, बुध की भी, शुक्र की भी, राहु की, शनि की भी और सूर्य की भी है। तो आप देखिए सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद में लाभ कराएंगे, माता का सुख दिलाएंगे। तो मिथुन राशि बुध की राशि, बल्ले बल्ले, बहुत आनंद कीजिए, जीवन में ज्यादा उथल पुथल आपके नहीं आ रही है, थोड़ी उथल पुथल आई थी मेष राशि में और थोड़ी सी शुक्र की वृषभ राशि में, क्योंकि शरीर पर दृष्टि पड़ रही थी। अब यहाँ से 1, 2, 3 शनि की दृष्टि 30 से 12 पड़ेगी, 12 भाव भी देखिए थोड़ा खर्चा तो कराएगा, विदेश का है तो खर्चे के लिए ध्यान रखिए आप, थोड़ा धन का, धन तो आएगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे, जॉब में तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा खर्चा होगा। अब देखिए चौथी राशि है कर्क, कर्क राशि के लिए देखिए 4, 3, 2, 12 भाग्य भाव में आ गए राहु और शनि, और बाकी ग्रह भी है भाग्य भाव से, देखिए भाग्य वर्धन करेंगे, यानी शनि जो है, अगर आप चंद्रमा की राशि है तो थोड़ा सा शनि चंद्रमा का उतना वो नहीं है, इसलिए कह लीजिए, वरना यहाँ से भाग्य वर्धन करेंगे। और तीसरे भाव को दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र आपका मतलब परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, लेकिन कर्क राशि को मैं उतना अच्छा नहीं समझता हूँ जितना के होना, हालांकि भाग्य भाव में है वो, लेकिन देखिए शनि है, शनि का चंद्रमा का कोई कतई मेल नहीं है, राहु का भी मेल नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ। अब शुक्र और बुध यहाँ से बैठकर देखिए, बुध की राशि है तो बुध तो अपनी कृपा करेंगे, जब जितने टाइम बुध यहाँ रहेंगे तो अपनी राशि को देख रहे कन्या को तो कुछ तो धन दिलाएंगे। तो आप भाई कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम बुध भी रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे, लेकिन शनि और राहु का भाग्य वर्धन तो होगा, लेकिन तीसरे भाव से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो कर्क राशि को थोड़ा सा तो उथल पुथल रहेगी जिंदगी में। और आप सिंह राशि के लिए देखिए, सिंह राशि के लिए 12वीं जो है राशि अष्टम भाव में आ गई, अष्टम भाव में देखिए यहाँ पर कई ग्रह आ गए, शुक्र भी है, बुध भी है, राहु भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, कुछ टाइम के लिए 5-5 ग्रहों का संगम अष्टम भाव में हो रहा है। तो अष्टम भाव वैसे भी अगर आप अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने एक्सीडेंटल मामला होता है यहाँ पर, दुर्घटनाग्रस्त होता है, उससे सतर्क रहें आपको, तो अचानक से धन का लाभ मिलेगा, अचानक से धन कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, सरकारी काम में धन मिल जाएगा, नए नए काम मिल सकते हैं। यहाँ से देखिए 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की जॉब पर, और जॉब पर देखिए, और चूंकि शनि जो है सूर्य की राशि है, यह सूर्य और देखिए सूर्य शनि साथ साथ है कुछ टाइम के लिए यहाँ पर, तो 8वें भाव से यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं सारे ग्रह, यहाँ कन्या राशि है तो बुध की दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि पर, शुक्र की पड़ रही है, तो धन का आना भी होगा, सरकारी कामों का, नए सरकारी काम मिल सकते हैं, सरकार से लाभ मिल सकता है, अगर सूर्य भी यहाँ बैठे हैं कुछ टाइम के लिए,
सूर्य भी धन भाव को देखेंगे तो मिला जुला प्रभाव है। वैसे राहु तो यहाँ थे ही पहले से ही, शनि आए सातवें भाव से छोड़ करके, सातवां भाव सब महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए थे। तो मैं सिंह राशि वालों के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि अष्टम भाव में ये छह आठ बारह में कुछ दुष्ट ग्रह भी बैठ जाए और अच्छे ग्रहों के साथ बैठ जाए, अगर जिनमें के शुक्र भी, शुक्र तो गुरु है उनके और बुध भी है, सूर्य भी है, तो मैं समझता हूँ। और देखिए बृहस्पति यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए दसवें भाव में है, तो एक दो तीन बृहस्पति पृथ्वी की दृष्टि पड़ेगी शनि की और जॉब भाव में, तो बृहस्पति तो अपनी कृपा करेंगे, बृहस्पति तो धन देंगे, काम और रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, सुख साधनों का बढ़ावा मिलेगा। और लेकिन यहाँ से एक दो तीन चार पांच राहु की दृष्टि पड़ेगी, देखिए विदेश भाव पे, तो विदेश से आपका कोई नाता है, विदेश कोई काम उसमें सफलता मिल सकती है आपको, विदेश जा सकते हैं। और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो धन की भी प्राप्ति होगी, कुछ रुका हुआ धन मिलेगा और सुख साधनों की वृद्धि तो होगी जरूर। तो सिंह राशि को मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छा अभी देखिए बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। अब देखिए सिंह राशि के बाद मैं समझता हूँ छठी राशि जो है कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए सातवें भाव में राहु और शनि की युति बनती है, व्यापार में थोड़ी तरक्की, शरीर को देखेंगे तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा शनि और राहु भी है, राहु तो वहां पहले से बैठे हुए हैं और बुध शुक्र भी है, थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखिए, अपना अपना एक्टिव रहिए और चलने फिरने में ध्यान रखिए, जिससे आप बच के रहें, आपके जो है तरक्की मिलेगी, व्यापार करते हैं तो तरक्की मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में तो राहु पहले से बहुत दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, शनि भी आ गए और अगर आप सच्चे ईमानदारी से रहेंगे, आपस में कोई दुराव छिपाव नहीं रखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा, पार्टनर्स का सहयोग भी मिलेगा। बुध भी यहाँ कन्या राशि के लिए, बुध कन्या राशि है अपनी, इस कारण से कन्या राशि को कोई ज्यादा जीवन में उथल पुथल नहीं होगी, लाभ मिलेगा। एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि जो है राहु की पड़ेगी लाभ भाव में, शनि की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में तीसरी दृष्टि। और देखिए आपके लिए छ पांच चार पांच छ पांच चार तीन दो बृहस्पति जो है बैठे हैं भाग्य भाव में, वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति पर, भाग्य तो बढ़तर होगा होगा, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है, बुध साथ में है, शनि तो कृपा करेंगे करेंगे, मेहनत करो ईमानदारी से करो तो कन्या राशि को भी लाभ मिलेगा। अब भाई आई तुला राशि, देखिए तुला राशि के लिए सातवें नंबर की राशि है, ये छठे भाव में आ गए, ये छठा भाव देखिए ये जो क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, देखिए बुध भी है, शुक्र भी है, राहु भी है, शनि भी है, कितने ग्रह हैं, तो छठे भाव में तो अच्छा फल मिलेगा, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में, और आपको देखिए छठे से बाहर में को देखेंगे तो विदेश से, विदेश जाने से, ये तुला राशि तो शनि की प्रिय राशि भी है, तो तुला राशि को तो छठे भाव से अच्छा खासा, शत्रु तो बिल्कुल कोई आपका कोई बाल भी भागा नहीं कर सकता, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी कोई केस चल रहा है तो, और बीमारी ऋण बैंक का लोन सब चुक जाएगा आराम से, और विदेश जाएंगे तो लाभ मिलेगा, विदेश जाने की तैयारी कर लीजिए, विदेश से धन मिलेगा। तो तुला राशि को तो मैं समझता हूँ, चूंकि ये छठे भाव में बैठे हुए हैं इतने ग्रह, और छठा तीन छह आठ बारह वो ग्रह या क्रूर ग्रह दुष्ट ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो मैं समझता हूँ तुला राशि को अच्छा लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, विदेश से मिलेगा। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि राहु की पड़ेगी दसवें भाव में जॉब के क्षेत्र में, तो तुला राशि जो शनि की राशि है और शनि एक दो तीन आठवें भाव में दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से धन का लाभ कराएंगे, अचानक से पैतृक संपत्ति को योग उसका किस तय हो जाएगा, लाभ धन मिलेगा। तो तुला राशि वालों नोट कर लो, आपको लाभ मिल रहा है, आपकी जिंदगी में ज्यादा उथल पुथल नहीं है, लेकिन वैसे तो जो है शनि और राहु और बाकी सब ग्रह उथल पुथल तो मचाएंगे।
आर्थिक स्थिति कमजोर होगी ज्यादातर। अब देखिए वृश्चिक राशि है जो आठवीं राशि है, वृश्चिक राशि के लिए पांचवें भाव में आ गई मीन राशि। पांचवें भाव में पांच पांच छह छह ग्रहों का जवाब रहा, प्रेम प्रसंगों में सफलता और संतान को लाभ, संतान की शिक्षा के क्षेत्र में लाभ। और यहाँ से ग्यारहवें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं सब, सारे के सारे ग्रह शुक्र के साथ बुध के साथ। तो भाई ग्यारहवें भाव से तो बहुत शानदार लाभ मिलने वाला है, यहाँ तो लाभ मिलेगा। यानी वृश्चिक राशि को तो मैं समझता हूँ अच्छा खासा धन मिलना चाहिए, शुक्र भी बैठे हुए हैं और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है इतने ग्रहों की, तो भाई वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। हालांकि मंगल की राशि है लेकिन उससे कुछ नहीं। और यहाँ से देखिए मंगल अभी अभी तो खैर मंगल की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो बात कर रहे हैं राहु की शनि की। लेकिन हाँ यहाँ से बृहस्पति एक दो तीन सातवें भाव में बृहस्पति है, व्यापार के भाव में बृहस्पति है, और चार पांच भाग के भाव में दृष्टि पड़ेगी राहु की। तो राहु जो है यानी भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन होगा तो आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। लेकिन पंचम भाव से ग्यारहवें भाव को इतने ग्रहों का देखना ही आपके तो जीवन में शानदार लाभ पैदा करेगा, धन आएगा, सुख मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, सब तरह से। तो मैं समझता हूँ वृश्चिक राशि वालों का अच्छा है। और देखिए नवी राशि धनु राशि, धनु राशि के लिए चौथे भाव में आ गए पांच पांच छह छह ग्रह सुख स्थान में। सुख स्थान का मतलब, और धनु राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की देखिए बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो नया काम, नया रोजगार, नई नौकरी। क्यों यहाँ से चौथे भाव से बुध की राशि कन्या दसवें भाव में है उसको भी दिख रहे हैं, जहाँ केतु बैठे हुए हैं। और देखिए जहाँ पर देखिए पांच पांच छठे ग्रह तो है ही, और केतु की दृष्टि पड़ रही है उन पर, राहु की, केतु की, शनि की, सूर्य की और शुक्र की, बुध की और एक दो दिन चंद्रमा, इतने ग्रहों का जमाव रहा है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो दुनिया में हलचल होनी है भाई, ये तो नोट कर लीजिए आप। जब जब इतने छह छह ग्रह का जमावड़ा हुआ है तो कुछ राशियों के लिए तो जहाँ खराब है तो ज्यादा खराब होगा। तो अब ये धनु राशि के लिए मैंने बताया था आपको कि धनु राशि के लिए चौथा भाव में सुख साधनों की वृद्धि होगी, जॉब में तरक्की मिलेगी, अच्छा है, लेकिन ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। मकर राशि के लिए मैं समझता हूँ दसवीं राशि है, और दसवीं राशि के लिए तीसरे भाव में कारक भाव शनि का, यहाँ शनि परिश्रम तो कराएंगे मकर राशि वालों, लेकिन यहाँ से दृष्टि पड़ेगी भाग्य पे, तो कारक भाव में बैठ करके शनि भाग्य वर्धन करेंगे। भाग्य वर्धन होगा तो अच्छी तरह से तरक्की मिलेगी, नौकरी में, जॉब में पैसा आएगा, विदेश जाएंगे रिसर्च का, पढ़ाई ऊंची पढ़ाई हो सकती है, हायर एजुकेशन, पिता का सहयोग मिलेगा। और देखिए यहाँ से भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, शुक्र भी देख रहे हैं भाग्य भाव को, बुध भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, सारे ग्रह पांच पांच छह छह। तो ये मकर राशि के लिए तो तीसरे भाव में शनि का राहु की युति और नवे भाव को देखना, तो ये तो बहुत भाई बढ़िया शानदार। और यहाँ से एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि व्यापार भाव पर, दाम्पत्य जीवन पर राहु की, शनि का बल मिल रहा है राहु को, तो ये अच्छा है। यानी मकर राशि के लिए धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन अच्छा, व्यापार में तरक्की और भाग्य बढ़ गया, सबको अच्छा हो गया। तो मकर राशि को मैं अच्छा समझता हूँ, शनि की अपनी राशि है। और देखिए ऐसे ही कुंभ राशि, कुंभ राशि को भी मैं अच्छा समझता हूँ, धन भाव में छह छह ग्रह आ गए। कुंभ राशि देखिए जहाँ शनि अब तक बैठे हुए थे केंद्र में सस महापुर राजयोग बना के, शनि अब खुद धन भाव में आ गए, राहु धन भाव में है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है, दो दिन को चंद्रमा है, यानी मैंने सब बताया था वो तो डिटेल में। तो ये पांच पांच छह छह ग्रहों की युति जो है धन भाव में बन रही है, तो कुंभ राशि को तो खूब धन की बारिश होनी चाहिए भाई। और धन भाव से देखिए अष्टम को देखेंगे तो अष्टम से अचानक धन की प्राप्ति, अचानक से आपको ऐसा धन, छिपा हुआ धन मिल जाएगा, कोई सुख साधनों की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि धन आएगा तो सुख साधन भी आएंगे। और शेयर मार्केट से कोई गुप्त धन,
कोई आप जैसे रहस्यात्मक काम करते हैं, कोई गुण विद्याओं का छिपे हुए तंत्र मंत्र का उससे लाभ मिल जाए, तो ये कुंभ राशि को बहुत शानदार योग बन रहा है। तो ये राशि मैं बता रहा हूँ जो कुछ राशियों को तो बहुत ही लाभ मिल रहा है राहु की और शनि की युति। और ये आगे चल के देखिए, नोट कर लीजिएगा, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है, यानी साथ साथ शनि का उसमें प्रवेश मावस है, चंद्रमा भी है वहां सूर्य के साथ, तो अंधकार हो गया, मावस राहु है वहां पर, तो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है, उसकी चर्चा अलग करेंगे। अब देखिए आप, सूर्य ग्रहण है, राहु शुक्र चंद्रमा बुध सारे हैं वहां पर 29 मार्च, 29-30 मार्च में जो है 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है, तो चंद्रमा भी है। 29 मार्च को जब राहु ने वहां प्रवेश किया तो राहु सॉरी शनि ने प्रवेश किया तो शनि राहु सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा 6 ग्रह। तो ये टाइम भाई मीन राशि में शनि का प्रवेश काफी जो है अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप के कर्म कैसे है, जो कर्म प्रधान विश्व रचना का। अभी भाई एक राशि बचती है, आखिरी राशि वो है मीन राशि। मीन राशि में तो ये हुआ ही सब कांड, मीन राशि में 6 जगह आए, और मीन का मतलब केंद्र में पहले भाव में, जहां से सम्मुख सप्तम दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, दाम्पत्य जीवन पे, व्यापार पे। और मीन राशि मछली है, मछली यानी पानी वाली राशि है, तो 1, 2, 3, 4, 5 5वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी राहु की, और देखिए बुध की शुक्र की सबकी तो पड़ेगी 7वें भाव पे, शनि की पड़ेगी 3रे भाव पे भी, और शनि की पड़ेगी देखिए 7वीं दृष्टि जो है यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव में 8, 9, 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। तो मीन राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, और वहां बृहस्पति की राशि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, राहु वहां मीन राशि में बैठे हुए हैं, बृहस्पति के नक्षत्र शनि और राहु का नक्षत्र एक दूसरे का नक्षत्र है, तो ये सब देखिए मीन राशि की देवी पहले भाव में बैठ जाना, इतने ग्रहों का शरीर को अच्छा, दिमाग को अच्छा, दाम्पत्य जीवन को अच्छा, व्यापार को अच्छा, संतान को अच्छा, तो मैं समझता हूँ मीन राशि को भी सब तरह से अच्छा ही मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि ये 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक जब तक राहु का और शनि का साथ है, उसके बीच बीच में मैंने तारीख बताई कि कौन ग्रह कहाँ कब जा रहा है। ये राशियां हैं भाई, आर्थिक रूप से कई राशियों को तनातनी परेशानी खलबली जिंदगी में आएगी, कई राशियों को लाभ मिल रहा है। तो मैं तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिए आप कि ईश्वर की भक्ति में लगे रहेंगे थोड़ा सा, और ईमानदारी से सच्चरित्र होकर काम करेंगे, शनि से लाभ पाएंगे, धन पाएंगे, सुख पाएंगे। और मेरा ख्याल तो है भाई, हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का पाठ जो आप अपने सुविधा के अनुसार कीजिए, और शिव मंदिर में जाए तो बस त्र्यंबकम यामहे सुगंधे पुष्टि वर्धनम उर्वा रूपे वंदना मृत्युर्मुक्ति मामर्था, इसका जाप करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, सोते जगते आप भोलेनाथ याद रखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अहंग हनुमते नमः, ओम अहंग हनुमते नमः, तो आपको सुख शांति धन सब मिलेगा। अन्यथा देखिए उथल पुथल तो आर्थिक उथल पुथल तो होनी है, क्योंकि पूरे देश में होनी है, विश्व में होनी है, आर्थिक मंदी आ रही है। तो मैं अभी यहाँ विराम लूंगा, आगे आऊंगा तो अभी मैं कुछ और चर्चा करूंगा।